मोहम्मद एजाज सुहेल है, उम्र 35 साल है, रिहाइश लाहौर में है और प्रोफेशन जो है वो मेरा शोबा तालीम से मुंसलिक हूँ। मेरे सफ़र की शुरुआत जो है वो बुनियादी तौर पर पीटीवी से हुई। पीटीवी ने मुझे बहुत नर्चर किया और सिखाया और बहुत मेरी नशोनुमा की। और स्टार्ट में मैं एक रियलिटी शो का हिस्सा था जिसका नाम पाकिस्तान सुपरस्टार था, जिसके बाद मुझे पीटीवी में आने का मौका मिला। मैंने एक शो किया वीकेंड वर्ल्ड के नाम से और फिर मुझे एक क्लासिकल प्रोग्राम फिर दौसे गोश में काम करने का मौका मिला जिसमें फरिया परवेज साहब थी और मेरे उस्ताद मोहतरम फहीम अज़हर साहब थे। तो उसमें हमने तकरीबन 32 राग रिकॉर्ड किए जो कि पीटीवी के आर्काइव में भी मौजूद हैं और आप ऑनलाइन भी उनको देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ज़खीरा है। और वहाँ से फिर मैंने अपना क्लासिकल का सफ़र तो जारी रखा ही, उसको फैलाने के लिए दूसरे शहरों तक फिर मैंने एक बैंड ज्वाइन किया मुगले फंक के नाम से। उनकी वजह से बहुत मुख्तलिफ़ शहरों में जाने का मौका मिला और वहाँ भी मैंने फिर अपनी लोगों से जा कर के मिला और अपने रूट्स को एक्सपैंड किया। इस तरह से फिर और ढेर सारा काम किया, कुक स्टूडियो में परफॉर्म किया, बिस्कोनी म्यूज़िक में परफॉर्म किया, ये कॉरपोरेट लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं। और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे रोहिल हयात साहब हैं और जुल्फ़िकार जब्बार खान है, जुल्फी जिनको हम कहते हैं, उनके साथ भी मैंने प्राइवेटली, नॉट इन कैपेसिटी ऑफ कोक स्टूडियो, बट प्राइवेटली उनके साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने किए। ख्याल की तरफ तो रुझान बहुत बाद में डेवलप हुआ, आई थिंक अराउंड 2013, बट उससे पहले जो है वो मॉडर्न एंड प्लेबैक सिंगिंग की तरफ रुझान था ज़्यादा। और उसमें भी जो है वो मेरी वालदा की मुझे काफ़ी हेल्प थी, आवाज़ लगाना सिखाना उन्होंने शुरू करवाया मुझे। और उस वक्त मैग्नेटिक टेप्स का ज़माना था तो जहाँ भी जाता था तो मैंने एक टेप ज़रूर ख़राब करनी होती थी अपनी आवाज़ से, तो लोग अपने घर में कैसेटें छुपाते फिरते थे मुझसे, तो उसी पे अपने आप को रिकॉर्ड करता और सुनता और फिर दोबारा री रिकॉर्ड करता। और फिर इसी तरह से वालदा से जो है वो सिलसिला तालीम जो है वो मेरा शुरू हुआ। और फिर वो क्या कहते हैं कि जब आप क्लासिकल मौसीकी के कश्ती के शाह सवार हो जाते हैं तो यू हैव टू बर्न द बोट्स, फिर आप पीछे मुड़ के तो नहीं देख सकते। और मौसीकी मेरे ख्याल में ये करने का जो पाकिस्तान में एक ही ज़रिया है वो ये है कि आप उसको उसके ऊपर कमाने का जो है वो प्रेशर ना डालें। आर्ट्स पे जब भी जिम्मेदारी डाली जाती है अर्न करने की तो वो आर्ट्स सीज़ेस टू बी आर्ट, वन शुड ऑलवेज हैव अ डे जॉब टू सपोर्ट देयर आर्ट। तो ऑफकोर्स इसीलिए शोबा तालीम में आया ना कि मौसीकी पढ़ाऊँ, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रोलिफिक एक्सपीरियंस टू शेयर व्हाट यू नो विद अदर्स एंड एट द सेम टाइम उनको इनेबल करते हुए आप अपने शौक भी पूरे करें। देखिए जो लफ्ज़ ख्याल है, ख्याल किसको कहते हैं? सोचने को, थॉट प्रोसेस को। एक चीज़ आपने सोच करके एक आइडिया जनरेट किया, वो आइडिया आपके जहन में आया और आपने उसी वक्त उसको रन टाइम में एग्जीक्यूट करके आपने उसको अपनी ज़ुबान से कहा। ये कितनी मुश्किल चीज़ है, हर बंदा सिंगर नहीं होता, लेकिन जो सिंगर नहीं भी होता उसके जहन में गाना तो सुर में चलता है लेकिन ज़ुबान तक आते आते बेसुरा हो जाता है। तो इसी का रियाज हम करते हैं कि जो हम ख्याल जो हमारे जहन में आया उसको रियाज किया और उसको ऐसा पक्का ज़ुबान से निकाला जिस सुर में वो आपके जहन में चल रहा है। तो ये मेरा ख्याल है। इस तरह कोई अगर कोई और गवैया कोई राग गाएगा वो उसका ख्याल होगा। तो इस थॉट प्रोसेस को हम ख्याल कहते हैं, द इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज़, दैट जर्नी फ्रॉम योर माइंड टू योर टंग इन द फॉर्म ऑफ स्वर इज़ ख्याल। रियाज की वही इम्पोर्टेंस है जो कि सांस लेने की है, बिना सांस के मर जाएंगे ना, तो हम भी रियाज के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, ये सारी एसेंशियल्स हैं। तो मौसीकी को कहते हैं जी इज़ अ कोड ऑफ लाइफ, तो आई थिंक इस तरह से जो रियाज की इम्पोर्टेंस है वो यही है कि विदाउट इट द बेसिक लाइफ लाइन ऑफ म्यूज़िक इज़ नो मोर। क्लासिकल वॉज नेवर मेंट टू बी फॉर द मासेस, मेरे ख्याल में ये क्लासिकल हमेशा ही बड़े महदूद लोगों तक रहा।
पुराने वक्तों में भी अगर आप गौर करें तो ये फ़कीरों तक, बादशाहों तक और दरवेशों तक महदूद रहा है, और इस दौर में भी ये लोग बड़े कम हैं। बादशाह तो रहे नहीं और फ़कीर रह गए, उनको भी फ़कीर नहीं कह सकते क्योंकि फ़कीराना मिजाज होता है और तबीयत होती है, तो वो रहे नहीं। और रही बात दरवेश, तो वो भी बस गिने चुने ही रह गए हैं। तो ये रुझान समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमेशा से ही बड़े चुनिंदा लोगों का शौक़ था, और सुनने वाले भी जो हैं, जो खुशकिस्मत हैं, जिनको समझ में आती है, वो भी बड़े हमेशा से कम रहे हैं। तो मकसद ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने, बस जो ये खुशी होती है जान कर के 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स और एक ब्लू टिक तो शायद नहीं है, लेकिन जो है वो फिर बड़े प्यार करने वाले और खुलूस से सुनने वाले लोग हैं और इज्जत करने वाले लोग हैं, चाहे वो शागिर्द हों या चाहे वो सुनवाइये हों या चाहे वो बजवाइये हों जिनके साथ मैंने काम किया है, वो बहुत इज्जत से पेश आते हैं। अच्छा देखें, दो तरह के काम होते हैं। एक काम वो होता है जो आपकी रूह की ग़िज़ा के लिए होता है, एक काम वो होता है जो कि पेट की ग़िज़ा के लिए होता है। तो पेट की ग़िज़ा जो है खाना पीना है, ठीक है जी, दोनों बहुत ज़रूरी है। सो बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह सकता कि जी मॉडर्न काम नहीं करूँगा, सिर्फ क्लासिकल से ज़िंदगी कर गुजार गुजर गुजारूँगा, गुजार भी सकता हूँ क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है, ठीक है जी। तो काम जो मुझे मिलते हैं वो तो मेरे लिए ऐसे पॉकेट मनी होता है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट बिलिटलिंग योर आर्ट एज फार एज़ यू आर क्लियर अबाउट द रूट्स ऑफ योर वर्क। अगर आपको ये पता है कि जी क्लासिकल के रूट्स हैं, इनको रहते हुए इनके अंदर मैंने मॉडर्न काम करना है, तो आपको क्लासिकल को ख़तरा नहीं है। अगर आपको ये, अगर आप उसकी जड़ें हिला देते हैं तो फिर हाँ, डेफिनेटली आपके पे क्वेश्चंस उठेंगे। तो दोनों काम बहुत ज़रूरी हैं, आपको मॉडर्न काम भी करना है अपना किचन चलाने के लिए और आपको अपनी रूह की ग़िज़ा के लिए भी जो है वो काम करना है। सो बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ परफॉर्मर मुझे अपनी कोई परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती। ये परफॉर्मर से बड़ा मुश्किल सवाल है पूछने वाला कि आपको अपनी कौन सी परफॉर्मेंस पसंद है। हाँ टेम्परेरली शायद मैं खुश हो जाऊँ, लेकिन बाद में कुछ महीनों बाद सुनता हूँ तो बहुत बुरी लगती है अपनी ही आवाज़। तो आर्टिस्ट कॉन्स्टेंटली एक स्टेट ऑफ एवोल्यूशन में होता है और ग्रोथ में होता है, तो आई थिंक मेरे लिए अच्छा है कि मुझे अपनी आवाज़ पसंद नहीं आती तो मुझे ग्रो करने का और एक्सपैंड करने का मौका मिलता है। तो येस, आई डोंट लाइक एनी परफॉर्मेंस ऑफ माइन, आई लीव दैट टू द पीपल हु लिसन। सखी